हाय गाइस, राहुल फ्रॉम दिस साइड। हमारे एक क्लाइंट हैं, इनको हमने जून में प्रोजेक्शन दिया था, हिमाचल से हैं सर, सुशील जी बिलासपुर से, और मैं इनसे थोड़ा रिव्यू लूंगा। सर, हमारे जो आपने बिला लिया है हमसे, और थोड़ा सा रिव्यू दो कि सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी आपको कैसी लगी, तो आपने क्या सोच के हमसे बाय करा था, और आपने इससे पहले क्या क्या प्रोजेक्ट देखे हैं, और आपको यहाँ पे आपने क्यों हमसे बाय करा, क्या अच्छा लगा आपको नियर बाय, तो थोड़ा सा आपसे रिव्यू। सबसे पहले तो सोसाइटी का डिजाइन पसंद आया था, उसको जितना भी लेआउट है, लेआउट जितना भी आपने यहाँ पे बनाया, क्रिएट किया, ओके, पार्क वगैरह और ये रोड, खुले खुले रोड है, ओके, और अंदर का जो डिजाइन है पूरा सोसाइटी, मतलब अच्छे से प्लान किया हुआ है सर। ओके, थैंक यू सर, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और वो क्या अच्छा लगा? दूसरा, ये विला टाइप है, मतलब फ्लैट बेस्ड नहीं है, सबसे अच्छा ये लगा हमें। हम लोग क्योंकि हिमाचल से आते हैं, तो हमें फ्लैट वगैरह ज्यादा पसंद नहीं होते, तो हमें खुला डुला रहना पसंद होता है, तो इसी तरह के हमें रहना पसंद है, खुले खुले में, और अपना जमीन भी अपनी हो, और ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है वो सब अपना। तो सर, में टेनेंस वगैरह प्रॉपर सोसाइटी में मेंटेन हो रही है, प्रॉपर है, प्लम्बर और कारपेंटर, सिक्योरिटी वगैरह, सिक्योरिटी इलेक्ट्रीशियन, कोई और कुछ कोई कंप्लेंट तो नहीं है हमारी तरफ से, कोई सेटिस्फेक्शन हो आप? बिल्कुल पक्का सर। ओके, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, राहुल सोने दी साइड फ्रॉम आशा बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शंस। आज मैं आपको अपने फिफ्थ प्रोजेक्ट पे लेके आया हूँ, ये भी राइट टू पोजेशन है, और ये हमारा ट्राइसिटी में फिफ्थ प्रोजेक्ट है जो हम हैंडओवर कर चुके हैं। 80% से ज़्यादा हम फैमिलीज को पोजेशन दे चुके हैं, और आप देख सकते हो ये टोटल कनेडियंस विलाज है, 3BHK 4BHK कंसेप्ट में, जो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है सोसाइटी का। हर घर के आगे हम पार्क दे रहे हैं, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी स्पेशियस और एक लग्जरी लुक जो डिज़ाइन कराया हमने सोसाइटी का। टोटल हमारे पास 170 विलाज आए यहाँ पे, और 147 विलाज का हमने पोजेशन दे चुके हैं। तो टोटली ज़्यादातर जो फैमिलीज हैं, आप देख सकते हो गाड़ी नंबर हिमाचल और JK, ये तो मोस्टली हमारे जो पास क्लाइंट है हिमाचल और जम्मू का ज़्यादा रहता है, तो पंजाब से कुछ क्लाइंट्स है, 10-15% पंजाब से भी क्लाइंट है। तो मोस्टली ये लोकेशन देखो, हर किसी प्रॉपर्टी में लोकेशन बिकती है, और ये लोकेशन बहुत प्यारी है। आप 10 से 15 मिनट के लिए अगर आप यहाँ से जाओगे, तो 10 से 15 मिनट चंडीगढ़ पहुँच जाओगे। रीज़न कि आप सोसाइटी के बाहर निकलोगे, राइट जाओगे, फ्लाईओवर चढ़ोगे, 6 फेस उतरता है फ्लाईओवर सीधा, विदाउट जिग जैग, विदाउट ब्रेक, आपकी गाड़ी सीधा 10 मिनट में चंडीगढ़। वहाँ से 6 फेस से आप आओगे अपने घर 10 मिनट के अंदर। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं हाईवे लोकेशन, कि अब गलियों में जाना लोग आजकल पसंद नहीं करते, कि जिग जा जाना पसंद नहीं करते, स्पीड ब्रेकर बंदा खजल हो जाता है कि गलियों में जाना, उसका घर गलियों में है तो गाड़ी में ब्रेक लगते हैं, ट्रैफिक सामना करना पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये बिल्कुल हाईवे की लोकेशन है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। एक बार आके आप प्रोजेक्ट देखो हमारा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। और इसमें से हमारे पास 10-12 यूनिट अभी पड़े भी हुए हैं रेडी टू मूव में, जिसका जो पोजेशन हम 2 महीने में दे रहे हैं। बाकी विला 2 है जो इसके साथ बना रहे हैं हम, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी जो हमारा 6th प्रोजेक्ट है, वो हमने लॉन्च कर दिया है कुराली बाईपास के पास, जो कुराली चंडीगढ़ बाईपास है, वो भी बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। उसमें टोटल 450 यूनिट बना रहे हैं, जिसमें से 250 यूनिट हमारे विलास का है, बाकी प्लॉट्स का है। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हो, प्लॉट भी ले सकते हो, अगर आपने विला लेना है, विला भी ले सकते हो, अगर आप फ्लैट प्रेफर कर रहे हो तो फ्लैट भी दे सकते हैं आपको। हमारे पास फ्लैट के लिए भी प्लॉट पड़े हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी जिसने करनी है, हमारे पास काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाला है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर आप अपने लिए रख सकते हो, और फर्स्ट फ्लोर रेंट आउट कर सकते हो। और यहाँ पर 1BHK का जो रेंट है, वो 18 से 19 हज़ार आ रहा है, लोग फैमिलीज ले भी रही हैं, ग्राउंड फ्लोर पर खुद रह रहे हैं, फर्स्ट पे रेंट आउट करा हुआ है। रीज़न क्या है कि इसको जो हमने सीढ़ियाँ दी हैं फर्स्ट फ्लोर की, वो बाहर से दी हैं, कि ग्राउंड फ्लोर आपकी प्राइवेसी अलग रह जाए और फर्स्ट की फ्लोर की प्राइवेसी अलग रह जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो थैंक यू सो मच आपका, कि आप आए विज़िट करें।